दोस्तों आज है 16 अप्रैल की तारीख, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 945वां एपिसोड और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज आज फिर से आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। बड़ी खबर दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से निकल कर आ रही है, उनकी इंजरी पर बहुत बड़ी अपडेट है, इस वीडियो में बताएंगे। तो वही हेजलवुड के हवाले से भी खबर है, भारत तो वो आ गए हैं, किस दिन खेलेंगे पहला मैच फाइनल रिपोर्ट देंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की इसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरी सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर हर रोज पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, अभी तक हिट नहीं किया हो तो फटाफट हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो कल आरसीबी की टीम ने डीसी को हरा दिया, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, हमारी प्रिडिक्शन फिर से सही हो गई। इस मैच को लेकर हमने कुल 4 प्रिडिक्शंस की थी जिसमें सबसे अहम थी विन प्रिडिक्शन। हमने साफ साफ कह दिया था कि इस मैच में आरसीबी की टीम जीतेगी, आरसीबी का पटला भारी है। हालांकि शुरुआत में जब मैच शुरू हुआ तो आरसीबी पूरे मैच में दबी हुई रही, लेकिन जैसे जैसे एंड करीब आता गया वैसे से आरसीबी चढ़ बैठी और हमारी प्रिडिक्शन सही हो गई। आरसीबी सीएसके वाले मैच की भी प्रिडिक्शन करने वाले हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो सऊदी क्रिकेट के हवाले से एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से सऊदी अरेबिया का क्रिकेट एसोसिएशन एक बड़ी क्रिकेट लीग शुरू करने की तैयारी में है और सऊदी अरेबिया की सरकार यह चाहती है कि भारतीय प्लेयर्स भी उस लीग में आकर खेलें। अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी रिपोर्ट यह आ गई है कि बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ साफ मना कर दिया है कि भारत का कोई भी खिलाड़ी दुनिया की दूसरी किसी भी लीग में जाकर फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेलेगा और अगर उसे ऐसा करना है तो उसे इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेना पड़ेगा। तो साफ है कि सऊदी की सरकार अब कुछ भी कर ले, कितने ही पैसा बहा ले, इंडियन प्लेयर्स नहीं जाने वाले और अगर इंडियन प्लेयर्स नहीं जाएंगे ना भाई तो सीधी बात है कि पॉपुलरिटी नहीं होने वाली लीग की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो आज होंगे डबल हेडर्स, आज संडे है, 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच होगा तो वही दूसरा मैच रात वाला मैच आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। एमआई और जो केकेआर वाला मैच है वो बहुत अहम है क्योंकि केकेआर की जो टीम है वो टॉप 4 पोजीशंस में अपनी जगह को कहने ना स्टैंप करने के लिए बैठी हुई है। तो वही दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात टाइटंस दोनों ही टॉप 4 में बनी हुई है और दोनों को अपनी दावेदारी मजबूत करनी है प्लेऑफ के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है क्योंकि आरसीबी और डीसी का जो मैच था उसमें विराट कोहली ने ना तो सौरव गांगुली से पोस्ट मैच के बाद हाथ मिलाया और ना ही दोनों के बीच किसी तरह की कोई बातचीत हुई। आपको यह भी बता दूं कि फील्डिंग करते समय विराट कोहली सौरव गांगुली को लुक भी दे रहे थे और बल्लेबाजी करते समय बहुत कुछ इशारों में कह भी रहे थे। ये सब कुछ हुआ है दोस्तों सौरव गांगुली के उस रवैये के कारण जिसके तहत विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया और जिसका खुलासा कुछ ही दिनों पहले पूर्व बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने किया था। साफ है पूरी पिक्चर, विराट और दादा के भी सब कुछ सही नहीं है और विराट बहुत खफा है दादा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो पाकिस्तान में इस साल का एशिया कप रखा गया है, हालांकि भारत के जितने भी मैचेस होंगे इस एशिया कप में वो यूएई में होने वाले हैं, लेकिन जावेद मियांदाद जो कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं बड़ी बात कह रहे हैं इस एशिया कप को लेकर। वो कह रहे हैं कि भारत की टीम को पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम की सिक्योरिटी पर यह बड़ा बयान दिया कि भैया मौत तो लिखी हुई है, कभी भी आ सकती है, आपको आतंकी हमलों का किस तरह का डर। मतलब कहते हैं ना कि बेवकूफ मुल्क के लोग और जो पूर्व खिलाड़ी वो भी बेवकूफ जैसी बात करते हैं, वैसे ही कुछ जावेद मियांदाद करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों की सेफ्टी को एक तरह से मजाक बनाकर रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी अपडेट है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी लड़खड़ाते हुए चलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों सीएसके के आखिरी मैच का है जिनमें जो महेंद्र सिंह धोनी थे उन्होंने एंड में उतरकर बहुत जानदार पारी खेली थी। हालांकि दोस्तों ये वीडियो साफ साफ कह रहा है कि चोट जो है वो काफी गंभीर है महेंद्र सिंह धोनी की,
और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरसीबी के खिलाफ वाले मैच में लगभग 70% हम यहाँ से बोल सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उनके स्थान पर रविंद्र जडेजा कप्तानी करेंगे। अब आप भी बताओ दोस्तों कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या धोनी की जगह जड्डू को आना चाहिए या गायकवाड़ को। धोनी को लेकर बाकी जो भी और अपडेट आती रहेगी हम आपको टेलीग्राम पर बताएंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री में जाइए फटाफट फॉलो कर लीजिए वहां भी हमें, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ यार आईपीएल की तमाम ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में कहीं नहीं आती, हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिनभर की सातवीं बड़ी रिपोर्ट की, तो ये खबर आ रही है जॉस हेजलवुड को लेकर। जॉस हेजलवुड को लेकर बड़ी अपडेट है, आरसीबी की टीम ने 17 तारीख को होने वाले आरसीबी सीएसके वाले मैच में खेलने के लिए इन्हें हरी झंडी दे दी, लेकिन अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसी तरह का कोई फाइनल अपडेट और वर्डिक्ट नहीं दिया है। साफ है दोस्तों, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब तक इजाजत नहीं देता जॉस हेजलवुड इस मैच का हिस्सा नहीं बन सकते और यहीं पर पूरा पेच फंसा हुआ है। हालांकि इस समय आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी होगी, क्या हेजलवुड को जगह मिल भी पाएगी, इस पर भी सवाल है, लेकिन बड़ी बात यह नहीं है। बड़ी बात यह है कि हेजलवुड भारत आ चुके हैं, वो आरसीबी की स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आरसीबी वाले भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो किसी मैच में खेले और मैच के हिसाब से फिट हो। बाकी इस पर आप भी अपनी राय जरूर लिखिए, क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ये इंटरवेंशन आपको अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की, तो पृथ्वी शॉ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वैसे तो इस समय आईपीएल में बहुत खराब फॉर्म से वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं, लेकिन सपना गिल जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनके साथ मुंबई की सड़कों पर कुछ महीनों पहले टसल हुआ था उनका, उनकी शिकायत पर, सपना गिल की शिकायत पर कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है जो अपने पृथ्वी शॉ है उनको, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी शॉ को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। ये सारी खबर बताती है कि भैया बैक ऑफ दी पिक्चर बहुत खराब चीज़ें घट रही हैं पृथ्वी शॉ के साथ। मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट एसोसिएशंस को और बीसीसीआई को पृथ्वी शॉ के साथ यहाँ पर खड़े रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की, तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है जसप्रीत बुमराह की अपडेट को लेकर। जसप्रीत बुमराह के हवाले से बड़ी अपडेट आ गई है, ये कन्फर्म हो गया है कि वो WTC को मिस करेंगे और वो सितंबर 2023 में वापसी करेंगे। दरअसल दोस्तों बुमराह को लेकर लगातार फैंस डिमांड कर रहे थे कि क्या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन BCCI इस समय काफी ज्यादा होपफुल है। BCCI के हवाले से यही अपडेट है कि BCCI कंफर्म है दैट कि वो वर्ल्ड कप तक अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से सेम यही चीज उनकी IPL में अवेलेबिलिटी को लेकर भी कही गई थी, लेकिन वो IPL नहीं खेल पाए और वर्ल्ड कप खेलना मेरे हिसाब से मुझे अभी लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल अभी की स्थिति में तो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिनभर की दसवीं बड़ी रिपोर्ट की, श्रेयस अय्यर की सर्जरी होगी न्यूजीलैंड में, एक हफ्ते के बाद ये सर्जरी होगी और उसके बाद वो NCAA ज्वाइन करेंगे। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह की जो सर्जरी हुई थी वो भी न्यूजीलैंड में ही हुई थी और अब श्रेयस अय्यर की जो अगली सर्जरी होने वाली है जिसको लेकर वो साल के IPL का हिस्सा नहीं है वो भी न्यूजीलैंड में होने वाली है। ये थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें, भाई कमेंट बॉक्स में बता रहा कौन सी खबर आपको अच्छी लगी कौन सी नहीं और क्यों। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया तो अपनी राय जरूर लिखना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने हर IPL और क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।